next day in this class we will discuss the next poem for the second class, the rebel. Rebels in the other level, Pratibandhi. 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 मतलब जो हमारा प्रतिभागी होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं अपोजिट, अपोजिट साइडर, जिसको हम कहते हैं अपोजिट साइडर। मतलब जो प्रतिद्वंदी होता है उस प्रतिद्वंदी की क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जिसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उसको देख कर। तो देखिए, डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू ऑन योर फ्रेंड्स। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि कोई भी हमेशा आपसे या आपके फ्रेंड से डिसएग्री होता है, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या होता है आपसे या आपके फ्रेंड से क्या होता है डिसएग्री होता है, असहमत होता है। और लाइक्स टू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और वह विपरीत कार्य करना पसंद करता है जिसको हर कोई करने के बारे में शायद सोचता होता है। व्हाट एवर एवरीवन थिंक्स, भी जो कोई भी सोचता है दे शुड डू, कि उन्हें वो काम करना चाहिए, और वो उन काम के अपोजिट काम करता है। तो क्या कभी ऐसा व्यक्ति होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं, थिंक ऑफ अ वर्ड, तो एक शब्द को सोचो टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, जो इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताता है। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, और अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करो जो सामान्यतः वह व्यक्ति करता है। तो मतलब क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपके अपोजिट काम करना पसंद करता है, और वो जो भी काम करता है आप उसे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें। नाउ रीड द पोएम। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम जो रैपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रैपर का मतलब जो अपोजिट, हु डज समथिंग, हु डज समथिंग अपोजिट, जो अपोजिट टू यू कह सकते हैं, जो आपसे ठीक है क्या करता है, कुछ अलग कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं रैपर। तो देखो, व्हेन एवरीबॉडी हैज सॉन्ग हियर, तो अपनी बुक निकाले हो, ये पॉइंट पढ़े, देखिए, व्हेन एवरीबॉडी हैज सॉन्ग हियर द रैपर लेट्स हिज हियर ग्रो लॉन्ग, जब प्रत्येक अपने बाल छोटे रखता है, भी जब हर किसी के बाल छोटे होते हैं तो रैपर जो होता है, जो प्रतिद्वंदी होता है, वो अपने बालों को क्या करता है, लंबा करता है, ठीक है, क्या करता है वो अपने बालों को क्या करता है, लंबा करता है, लॉन्ग। रैपर क्या करेगा, लॉन्ग करेगा, ठीक है, छोटा कर लेता। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. और जब हर कोई लेसन के दौरान, जब लेसन पढ़ाया जा रहा होता है, तो जब हर कोई उसके दौरान बात करता है, तो रेबल बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है, एक वर्ड भी नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई भी लेसन के दौरान नहीं बोलता, तो रेबल है जो वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट्स करता है, परेशानी उठाता है, वो परेशानी क्या करता है, क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हेनेवर एनीबडी हियर्स अ यूनिफॉर्म, द
ड्रेसेस इन फैंटेसी क्लॉथ्स, और जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, जब कोई हर्ष मेट जब स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है तो रेबल क्या करेगा, रेबल सुंदर कपड़े पहनता, फैंटेस्टिक क्लॉथ्स पहनता है। व्हेनेवर ही वियर्स फैंटेस्टिक क्लॉथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली, सोबरली मतलब सिंपली, ठीक है, सिंपल। और जब हर कोई फैंटेस्टिक क्लॉथ्स पहनता है तो प्रतिद्वंदी हमेशा क्या करता है, सिंपल कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, मतलब जो व्यक्ति बिल्लियों कुत्तों को पसंद करने वालों की कंपनी में, वह हमेशा किसको प्रेफरेंस देता है, कैट्स को प्रेफरेंस देता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड बोर्ड फॉर डॉग्स, और बिल्ली को पसंद करने वालों की कंपनी में वह हमेशा क्या करता है, कुत्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। तो ये जो पोएम थी, इसका हम ये फर्स्ट सेक्शन आज के लिए इतना ही पढ़ेगा, इसके वर्ड भी देखते हैं। इसके वर्ड में देखो, डिसेंडिंग असहमत होना, ऑपोजिट विपरीत, डिस्क्राइब वर्णन करना, जनरली सामान्यतः, उसके बाद आता है सिंपलर, रेबल प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी ऐसे है कि ये इस तो ये वर्ड नहीं रहेगी आपके ऑपरेटिव में, राइट एंड लव, ठीक है, फिर हैव अ डे।